ऑक्सीजन की फिलहाल तो बाहर से ला रहे हैं, बट जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला है, हमारी ये है मांग कि घाटी हो गया, मेल्ट्रॉन हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इधर अपना खुद को ऑक्सीजन बनाने का, जिसके लिए मंजूरी पिछले 8 महीने पहले मिली थी, उसके बावजूद सरकार ने इसमें कुछ भी काम किया नहीं है। बेड्स तो है बट आईसीयू बेड और O2 के बेड नहीं है, उसके लिए हम आज सब जगह आज कुछ वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन ये बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ CSR फंड में से उसमें कोशिश कर रहे हैं। रेमडेसिविर में बोला ना कि आज औरंगाबाद शहर उसकी एकदम शॉर्टेज है और उसको मॉनिटरिंग कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया नहीं जा रहा है और उसके वजह से पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के परेशान हैं, वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और बाज़ार में वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग करना चाहिए, एक आदमी इंचार्ज करके उसके माध्यम से ये करना चाहिए। जालना में 10,000 ये ऑलरेडी रेमडेसिविर वहाँ पे एक डीलर के पास आए हुए हैं। सिचुएशन अगर देखें तो डे बाय डे थोड़ा पेशेंट्स कम हो रहे हैं हर सिचुएशन में, और जो लॉकडाउन हुआ है लॉकडाउन भी अच्छा हो चुका है और मुझे पूरा ये है कि सिचुएशन डे बाय डे अच्छा होता है। केस जो आज महाराष्ट्र के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन का विषय होगा, इंजेक्शन का विषय होगा, उस सब के लिए जो लोगों की भूमि चल रही है वो विषय में बहुत से अच्छी चर्चा हुई। आज भी महाराष्ट्र में किस चीज़ की कमतरता नहीं है, लेकिन अब नए नए प्लांट लाने उसके लिए जो पैसा लगना है तो सभी आमदारों का जो हमको 1 करोड़ लीजिए दिया उसमें हम उससे पैसे देके जहाँ जहाँ आपको मदद लगी हम 100% करेंगे। और मुझे लगता है कई हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कई आमदार शिष्ट साहब हुए, 1-2 दिन आमदारों ने ऑब्जेक्शन दिया था कि बराबर है कि आज वहाँ 4 लाख और 5 लाख मिल गया था और कि जब वहाँ पे वो बताने के ऊपर बाजार सराव जी ने भी कहा, उसके लिए उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल का ऑडिट किया जाएगा, किसी भी गरीब को तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से किया जाएगा, ऐसा अपने विभागीय आयुक्त के चंद्रकर साहब उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है आज की बैठक में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए और उससे सभी समाज के लोगों को फायदा होगा। कोरोना के लिए हमारा लोकल प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। शहर और ग्रामीण में देखा जाए तो शहर की कोविड की परिस्थिति नीचे नीचे होती जा रही है। निश्चित घड़ी इंजेक्शन का रेमडेसिविर इंजेक्शन कमी है, कमी नहीं है लेकिन अभी आगे कमी हो सकती है और ऑक्सीजन की भी आगे कमी हो सकती है। इसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई और इस जिले में ऑक्सीजन भी और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी कम नहीं पड़ेंगे, ऐसा प्रकार का नियोजन इस मीटिंग में हुआ है।